हेलो गाइस, कैसे आप? चलो गाइस, आप सभी लोग बढ़िया हो गए, फिट एंड फाइन हो गए और मजे में हो गए। सो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं रामनगर गया था तो गोप्रो देने में चले गया था। मैंने उससे बोला यार भाई एक ब्लॉग और शूट करना है मुझे, थोड़ा सा यार देख लेता हूँ मैं यार ब्लॉग शूट करने थे। भाई बड़ी मुश्किल से उसने मुझे गोप्रो दिया तो ब्लॉग शूट करने आ गया। तो अभी अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि यार आपसे ना बहुत सारी बातें करनी है कुछ यार पर्सनल। भाई से वो मैंने ब्लॉग अपलोड किया ना, मुझे इतना हेट मिला, इतना हेट मिला भाई। कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, कोई बहंगर मेरे ब्लॉग पे कमेंट कर रहा है, ऐसा है वैसा है। तो मुझे उसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी थी। भाई देखो, आप ठीक है, आप लोग उससे प्यार करते हो ठीक है, आप इस तरीके ब्लॉग वाले से प्यार करते हो ठीक है भाई, यार वो ठीक है, पर यार उसको तो समझो कौन गलत है कौन सही है। ऐसा है कि हाँ मैंने उसका ब्लॉग भी देखा, वो भी गलत नहीं था। आप लोग भी कह रहे हो कि हाँ सिद्धू भैया की गलती नहीं आपकी गलती है, भैया मेरी भी तो देखो, मेरी भी गलती नहीं है वहाँ, हम दोनों की गलती नहीं है भाई, वहाँ गलती दोनों की नहीं है। वहाँ मैंने नहीं सुना, और ऊपर से यार बात यह है बस वो रुक सकता था, वो रुका नहीं, उसमें वहाँ पे ईगो आ गया उस वजह से। और ऊपर से मैं खाली उसके साथ ना बकचोदी कर रहा था और उस चीज़ को वो सीरियस ले गया। गलती वहाँ बस उसकी ये है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी मैं चलता हूँ फिर रेलवे स्टेशन, क्योंकि यार उस साइड पर एक तो किचकिच भी नहीं होती और ऊपर से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ पर आराम से टेंशन फ्री होकर तो अच्छे से बात कर सकता हूँ आप सभी से। क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि अब यार घर में भी ना घर वाले सुनते हैं तो भाई बड़ा बुरा लगता है, तो घर पर मैं शूट कर नहीं सकता था, इसलिए मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। तो मैं रामनगर सीधा गोप्रो लेके आया दोस्त से, तो फिर मैंने सोचा सीधा आपसे रेलवे स्टेशन पर जाके कुछ बात कर ली जाए, आपसे डिस्कस कर लिया जाए यार जो भी सीन है। तो भाई करते हैं जाके आपसे डिस्कस, रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं और वही है। बाकी आप तो आप लोग समझो और आप लोग जानो यार, जो भी है आपको गलती मेरी लग रही है तो कोई बात नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे मुझे जहाँ तक पता है कि मेरी गलती नहीं है, बस उतना है कि वो रुक सकता था, वो नहीं रुका वहाँ पे, उसने वो अपना ईगो लिया, एटीट्यूड लिया, जो भी लिया जो भी समझो। और ऊपर से मैंने चलो मिडिल फिंगर दिखा भी दी, एक दोस्त था मैं, कोई अनजान व्यक्ति तो था नहीं कि जिसको जानता ना हो या ऐसा वैसा है। तो भाई पहुंच गया रेलवे स्टेशन, लोगों से ना काफ़ी सारी बातें करनी थी भैया यार। मैं सोच रहा था कि अकेले जाके कहीं आप लोगों से बैठ के अच्छे से बात करो यार, काफ़ी ना क्या ही बताऊँ मैं, काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है मुझे सिद्धू की तरफ से। तो भाई लोग यार आप लोगों से बात करना चाहता था मैं कुछ। अरे भाई ये क्या सीन चल रहा है, अरे बकचोदी करूँ मैं आज, जाओ सोचता हूँ यार बकचोदी करूँ ना करूँ इनके साथ, करता हूँ यार पता नहीं। देखो कैसे लेटे पड़े हैं यार, बताओ यहाँ पे भी कितने सारे आदमी हैं, फिर भी यार पता नहीं यार कुछ को मैंने कुछ कुछ जनों को देखा ना बिल्कुल भी तमीज होती नहीं है भाई, ऐसे बैठे हैं कपल हैं, पर यार ये है कि थोड़ा बहुत देखना तो चाहिए यार। रहे बताओ स्टेशन है, यहाँ पर कोई भी आता जाता रहता है, देखो क्या चल रहा है, इनसे बकचोदी करता हूँ। क्या कर रहे हो भैया, ऐसे बैठते हैं जैसे तुम बैठे थे? तमीज नहीं है तुम्हें? काई की तमीज, काई कैसे बैठे थे? आप कैसे बैठते हैं? हैं? कैसे बैठते हैं? तुम कैसे बैठे थे भाई? जैसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं क्या? अब देख लो, ये देख नहीं रहे तुझे, आदमी नहीं दिख रहे क्या भाई? ये देखिए ये कौन है, ये देखिए कौन है, ये आदमी नहीं कौन है, ये भाई काफी देर से बैठे भाई, अभी आए हैं। अरे भाई अभी आया तू यहाँ पे है भाई, थोड़ा सा यार स्टेशन है भाई, ट्रेन आती जाती है, तो ऐसे थोड़ी यार ऐसे बैठेगा क्या भाई? हमारी मर्जी, हम कहीं भी बैठे कैसे भी बैठे, तुम्हें क्या मतलब? तो भाई ऐसे जैसे ये बहंगा सर रख के बैठी थी, ऐसे ऐसे बैठते हैं क्या? ऐसे बैठते हैं क्या भाई? ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। तो भैया अपने घर में बैठना है, ऐसे बैठना है तो आपको क्या दिक्कत है? आपको मेरे को दिक्कत हो रही है, ऐसे पब्लिक को ऐसे माहौल तो खराब मत करो यार, हम तो ऐसे बैठेंगे खराब। तो भाई यार कोई देख रहा है, कोई बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें काई की हो रही है? भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, पर यार पब्लिक प्लेस में ऐसा मत करो, माहौल खराब मत करो ठीक है, तुम्हारे चक्कर में यार सब बदनाम होते हैं। अबे बैठना तो थोड़ा तमीज से बैठ जाओ भाई, तो ऐसे गोदी में बहन ऐसे लेट रखी थी, वो तमीज नहीं है तुझे? तमीज नहीं है? अरे कोई ना बोले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, थोड़ा तमीज सीख ले, फर्क नहीं पड़ता हमसे क्या मतलब है। तो ऐसे लेटी थी, कैसे लेटी थी तू गोदी में इसके, तमीज से बैठ, अब भी देख कैसे कैसे बैठते हैं भाई, बैठेंगे आप बताओ, आप बताओ, हाथ धोती है यार, जाओ तुम जाओ, तुम जाओ यहां से, ऐसे मत बैठ भाई ठीक है, थोड़ा तमीज सीख ले, कैसे बैठेंगे, ऐसे कैसे बैठेगी, जैसे मर्जी करे हम ऐसे बैठेंगे, तुम्हें क्या मतलब है भाई? भाई मुझे मतलब नहीं है, पर थोड़ा सा देख लो यार, आदमी चार आदमी देखेंगे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कोई कुछ, तुम्हें कुछ बोलेगा इसके पेरेंट्स को, इसके पेरेंट्स को बोलेगा, तुझे बोलेगा, फिर क्या होगा? अरे यार देख रहे हो ये तुम्हारे सामने ऐसे बैठे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ना? देखो यार बताओ कब से हो तुम यहाँ पे है, ये भी मुझे लग रहा नशे में, ये जाओ पता नहीं, मुझे लग रहा है ये भाई भी ऐसी है। अबे यार थोड़ा तमीज सीख लो यार, जाके अपने घर में आप जाओ ना, यहाँ से क्या दिक्कत है, क्या
अरे मुझे दिक्कत है, मुझे ना तुम क्यूट लग रहे हो, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम बोल कैसे रहे हो इससे? क्या बोल रहा भाई, मुझे क्यूट लग रही है क्या समझा? क्या मतलब है भाई, मुझे जेलस हो रहा है भाई तुझसे। मिस्टर गाय का जेलस, मुझे जेलस हो रहा है, कितनी क्यूट लड़की लेके बैठा है, मुझे दिक्कत हो रही है। तुम्हें गाय की दिक्कत है भाई, मुझे देख के प्यार हो गया उससे भाई, मुझे उससे देख भाई, मुझे इस लड़की को देख के ही प्यार हो गया भाई, ठीक है, मुझे इसलिए दिक्कत हो रही थी, तब मैं बोल रहा था उससे। तुम्हें कहेगा मेरी बंदी है भाई, तेरी बंदी है, ठीक है, मुझे बहुत अजीब लगा भाई। तुम्हें कहेगा अजीब लग रहा है, वो तेरे साथ है, मेरे साथ क्यों नहीं है, तेरी जगह मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे, मुझे ये जेलस फील हो रहा भाई, तो समझ क्यों नहीं रहा। जाओ ना, एक बात बोलूँ आपसे, एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। जी बोलिए। आई लव यू। क्या बोल रहे हो आप ये? आई लव यू। पागल पागल हो गया क्या? बोल मुझे देख के प्यार हो गया यार तुम्हें, सच्ची में भाई। बोल कैसे रहे हो तुम ये? क्या बोल रहे हो यार, मैंने उसको बोल दिया, तुझे क्या दिक्कत हो रही भाई? मैं उससे बोल रहा हूँ, उससे बात ना भाई, मेरी बंदी है, दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत हो रही तुझे? मैंने उसको बोल तो दिया साफ साफ, मुझे उससे बात करनी थी, बोल दिया। क्या हो रहा है? मेरे दिल में था, मैंने बोल दिया उसको। क्या बोल दिया? मैं ये उसे, क्या मतलब मुझे उससे देख के प्यार हो गया भाई, मुझे उससे देख के प्यार हो गया भाई। तुम बोल क्या रहे हो मेरी बंदी से? क्या बोल रहा हूँ भाई? बोल क्या रहे हो तुम? अबे भाई क्या बोल रहा हूँ, मुझे प्यार करने लग गया भाई, देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया उससे मुझे। काहे का प्यार हो गया भाई, वो मेरी बंदी है, तुम्हें क्या मतलब है बोलने का? तुम जाओ यार। अरे भाई तो धक्का तो मत दे भाई, प्यार से बात कर रहा हूँ ना मैं उससे। क्या उठाओ, चलो आओ। तुझे क्या है, क्या उधर क्या बात करनी है? करना सामने बात कर, साइड में बात करना, तुम लोगों ना साइड में बात करना। तो भाई करने देना, जो वो चाह रही है बात करना, तो यार भाई सामने बात होगी भाई, वो करना चाह रही है साइड में, चलो आओ यार, तुम आओ, तुम उसके तो ना भाई। क्या भाई यहीं पे? अरे भाई वो जब बात करना चाह रही है, तुझे क्या दिक्कत हो रही है भाई? भाई दिक्कत नहीं होगी, मेरी बंदी है। तो भाई क्या वो, तुम्हें क्या मतलब है भाई? तुम जाओ। जब भाई उसके खुद दिल में बात करना, तो वो कर सकती है ना भाई? दिल में नहीं है भाई, बैठ। बात करनी है तुमने ना? क्या बात करनी है? बात तो कर लूँ उनसे मैं। चल जा। बोलो। मैं आपसे करना चाहते हो, आप क्या बोल रहे थे? लवी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? हां, तुम्हें देख के प्यार हो गया। मैं लवी के साथ में क्या करूँगा? लवी मेरे साथ में क्या करूँगा? कोई नहीं, चलो मना कर दो उसको, मना कर दो आज के बाद। मना करूं यार मैं, वो क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा वो, सीधा मना कर दो साहब की, मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी ऐसा वैसे, और क्या उसमें। चलो हम दोनों चलते हैं साथ में कहीं घूमने, चले, मना कर दो उसको। भाई उसको हाथ क्या, वो जा रही है मेरे साथ? कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई? तुझे क्या दिक्कत हो रही है भाई? मेरी बंदी है ना भाई, बंदी जो मना कर रही है तुझे, साफ मना कर रही है मुंह पे, मना कर रही है। हाथ छोड़ भाई उसका, ऐसे बता, अब मेरी बंदी है वो, ठीक है, अब तक तेरी बंदी थी, ठीक है ठीक है ठीक है, अब वो हाथ में लगाना, चले हम चले, चल बैठो आराम से, एक मिनट उतरना, उतरना एक मिनट, उतरो तो सही, उतरो तो सही, मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था यार। प्रैंक? हाँ मैं मजाक कर रहा था भाई, भाई यार सॉरी, मैं मजाक कर रहा था भाई, ऐसा कोई प्रैंक थोड़ी होता है यार भाई, मैं तो खाली देख रहा था कि यार तुम्हारा मतलब कि तुम्हारी बंदी कितनी लॉयल है तुम्हारे लिए। ये क्यों गई यार आपके साथ? वो तो भाई तेरी बंदी के ऊपर है यार, मैं नहीं कर सकता, मैं तो देखना चाह रहा था तेरी बंदी कितनी लॉयल है तेरे साथ भाई, यार तेरे साथ तो सॉरी यार, भाई यार मैं क्या कर सकता हूं भाई यार, सॉरी यार, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी भाई ऐसा होगा। भाई यार चल कूदने का प्रैंक है। तो भाई मार मत यार भाई, मैं मजाक कर रहा था खाली भाई यार, वो रोगी यार भाई यार, वो क्या पता भाई मजाक कर रही हो यार, तू सीरियस मत ले उस चीज को यार। तो भाई ऐसे कोई भी प्रैंक करेगा तो किसी के भी साथ चली आएगी, छोड़ चल, जाना तो मना कर रहा हूं ना, चल। अबे भाई यार वो, भाई वो मजाक कर रही थी यार, अरे भाई यार मैं बोलता रहा हूँ उसकी तरफ से सॉरी यार, मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा भाई, भाई यार भाई यार बात कर, ऐसा नहीं बात कर ले यार उससे, ऐसे यार किसी के भी साथ जा सकती है यार, कल के लोग धोखा दे देगी भाई, धोखा ऐसा मत करना यार, चली यार बस प्रैंक कर दिया अपने साथ, प्रैंक क्या यार, ऐसे तो तू किसी के भी साथ चली जाएगी ना भाई यार, नहीं जाएगी, पैसा दिखाएगा तू, पैसों के साथ जाएगी है नहीं भाई, अब नहीं जाएगी, हट चल, सॉरी बोल दे यार उसको, सॉरी बाबा यार सॉरी, मैं प्रैंक कर दी यार, ओ तुझे कैसे पता प्रैंक करना, तू जानती है क्या उसने सोच, उसने क्या पता क्या सोच लिया हो यार, मजाक कर रही हो क्या पता, जानती है ही ना, तो तुझे कैसे पता प्रैंक करता है ये, चल छोड़ जा।
अबे भाई यार बात कर ले यार उससे, मैं भाई उसके लिए मैं बोल रहा हूँ सॉरी यार भाई, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी यार ऐसा होगा। हैं क्या बात करनी है भाई यार, थोड़ा एक बार माफ कर दे उसको, प्रैंक कर रहे थे उसे, कैसे पता है प्रैंक कर रहा है भाई, वो मजाक में ले गई, उसने सोचा कि ऐसी कर रहा होगा यार, सॉरी बोल दे उसको, सॉरी बाबू सॉरी यार प्रैंक कर रहा था मैं, सॉरी बाबू अब आज का दान अब यार नहीं होगा, माफ कर दिया भाई। हां कर दिया, दोनों वैसे सही में बहुत क्यूट लग रहे हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे जी बताऊं, और वो बंदे को बुरा लगेगा, उसको हट होगा यार। आपने कितना हट करा बताओ, हट हो गए, मैं तो खाली मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था तुम हट हो जाओगे, सही में सॉरी यार उसके लिए, सॉरी यार भाई, ठीक है भाई दोनों ऐसे रहना, पर अब आज के बाद कोई बंदा मिले ना तो ऐसे छोड़ के मत जाना है, ठीक है किसी के साथ भी, ठीक है भाई ध्यान रखना था, ठीक है ओके भाई। सो गाइस चलते हैं यार, खाली का यहाँ तो बवाल हो गया था भाई, मुझे इतना यकीन नहीं था, मतलब क्या ही हो गया यार, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, बंदी से मैंने बोला उस सीधा इनडायरेक्टली उसने सीधा मुझे हाँ बोल दिया यार, मुझे उम्मीद नहीं थी यार कि मैं ऐसे किसी लड़की को प्रपोज करूँगा और वो मुझे हाँ कर देगी भाई, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी यार, मैं तो खाली उसके साथ प्रैंक कर रहा था और वहाँ उसके साथ भाई पॉपट हो गया भाई, कट गया उस लौटे का भाई, भाई उस लौटे को मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो जेल कैसे गया भाई, मैं होता मैं जान से मार देता भाई उस बंदे को जो मेरे सामने मेरी बंदी को प्रपोज करता भाई, क्या ही बंदा था यार वो, मेरे क्या था जो भी है मुझे नहीं पता, पर जहाँ तक उम्मीद है वो बंदा ना बहुत जीता था, इसलिए वो रिएक्ट नहीं किया उसने ना, तो भाई बवाल हो जाना था भाई, और उसके सामने उसकी बंदी मेरे को हाँ बोलती है भाई, मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, वो बंदा कुछ नहीं कह पाता यार, हद है यार भाई, पोपट हो गया भाई उस बंदे का, कट गया भाई, सही में बता रहा हूँ बहुत गंदा हुआ भाई, मुझे खुद बहुत बुरा लगा यार लास्ट में जाके, जब मैंने यार उन दो बंदों के साथ मैंने अजीब किया, गलत किया, मुझे बहुत अजीब लगा यार लास्ट में, जब मैंने खुद बोला भाई यार मैं उसकी तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ, मैंने सही नहीं किया, मैं तो खाली प्रैंक कर रहा था, वो प्रैंक बहुत भारी पड़ गया भाई मुझे यार, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था भाई, बाद में उस बंदी ने उसको सॉरी बोल दिया और भाई मुझे जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था उनका, अब वो अच्छे से बात कर पाएंगे, ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार, मैंने दो कपल्स के बीच में ऐसा मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया दो कपल्स के बीच में यार, खाली एक प्रैंक के चक्कर में मैंने उनके बीच में ना मतलब लेसन खराब ही कर दिया उनका। सो गाइस बस आज का ब्लॉग बस यहीं खत्म करते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गुड बाय टेक केयर।